हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सच्ची यार। अरे शांत शांत शांत, मेरा बर्थडे है तो मैं डिसाइड करूंगी, पहले शॉपिंग फिर लंच। ओके अच्छा ओके, बोल दो यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ओके ओके चलो। अरे रुको रुको रुको, सोनाली नहीं आई अभी तक। भाई सोनाली के बिना नो सेलिब्रेशन। मैं हूँ ना यहाँ, पता है मैंने क्या किया? क्या किया? गेस। बताना यार क्यों भाव खा रही है हा? अच्छा अच्छा बाबा बता देती हूँ, मैंने उसके बंदे को फोन किया। अरे वो हीरो कुंदन। अरे हाँ वही हीरो कुंदन। यार देखना वो कुंदन ना सोनाली को घर से यूं निकाल कर लेकर आएगा, देखना। डॉली और उसके सारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, चलते हैं ना। अरे डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ भाई? वही लौंडिया है ये, उठा लेते हैं इसे। बावड़ा नवन, भीड़ ज्यादा, ध्यान से। अरे ध्यान से क्या करना, कोई भी बीच में आया गोली मार देंगे उसे। अरे चुप कर। चल। क्या हुआ सोनाली, कौन है ये लोग? कुंदन प्लीज चलो। डरो मत यार, मैं हूं ना तुम्हारे। चलो प्लीज। सोनाली अरे बताओ तो सही, कौन है ये लोग? गॉड रन। अरे पर सोनाली, गॉड मैं हूं ना। कम सोनाली यार डरो मत, मैं हूं ना। कुंदन प्लीज प्लीज चलो चलो। अरे ये बावड़ी कहां जा रही है? निकल गए, पकड़ पकड़ निकल गए, निकल गए, पकड़ पकड़ बावड़ी को। कुंदन प्लीज चलो चलो कुंदन। अरे छोड़ियो मत रे, जल्दी चलो। ओह गॉड, कुंदन रन, कुंदन रन, रन कुंदन, भाग। चल 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 चल। सोनाली हम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ चली गई वो? ढूंढ रहा है, दिखा घोड़ी मार दी। चल घोड़ी मार दे, देखते हो। नो 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 कुंदन, नो कुंदन, ये लोग बहुत खतरनाक है। पहले ही कहा था लवण्य को मार दो, बड़ा हीरो बन रहा था। अरे मैंने भी तो तभी कहा था, वही मारे थे रोड पे, तो ये भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता। अरे आप किस ने रोका है, अब मार दे। ये लोग दूसरे टाइप के लोग है, मैंने देखा है, ये लोग हमें गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, समझ यार। मरेगी तू। नो नो प्लीज, तू भी मरेगा। प्लीज प्लीज मारते कुंदन। अरे रास्ता इधर कौन है? उधर को चल, चल भाग, आवड़ा भाग भाग चल। ए तगल है जी, है तू सिख कमाल दे बंदे हो। क्यों जीजा जी, हो जाए एक बार। रहन दे, तू मारे से ना जीत सके है। दो मिनट की बात है जीजा जी, अभी पता चल जाएगा कि साड़ा जीजा से जीत सके या नहीं। हो जाए भाई। चेक दे। चलो जी और बातें छोड़ो, बड़ी भूख लगी है। ओ भाई कमाल कर देता जी। देखा जी साड़े की जगह, जीजे से नीचे ही होवे है। आपने तो जीजो की इज्जत रख ली, कमाल ही कर देता जी। अब इसी बात पे लो जी पराठा। लाओ जी। तो खाओ जी। इनको भी दे दो ना। एक्सक्यूज मी, तुम पराठा खाओगी? जी जी नहीं, थैंक यू जी। मुंबई जा रही हो? जी। इतना लंबा सफर है, खा लो, भूख लग जाएगी। जी थैंक यू। ओ, खा लेना। कुड़ी का मूड नहीं तो फिर कालो, फिर क्यों हो गया? आई हाय, मेरी सीट मिल गई।
क्या है ना जी, गलती से ना मैं दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ गई। मुझे तो मेरी 26 मिल गई। भले भले भले। तो मुझे पता था इस सीट पे कोई कुड़ी आएगी। मैं तो बस, मेरी तो सीट मुझे मिल गई। ओ गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू जी। कोई बात नहीं। थैंक यू जी। ओह, जल्दी से सामान रख लो जी, यहाँ तो पराठों की लाइन लगी हुई है। आपको भी खिलाते हैं? हाँ जी। ओ बैठ जा कुड़िये हो ना। लो जी, इनको भी पराठा दो। थैंक यू जी। क्या हुआ जी, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो? अरे अगर ऐसे मुंबई चली ना तो इनके मुंह में घी जम जाएगा। हानी तो। जी मैं परांठा नहीं खाती जी। अरे एक तो चक्के देखो। क्या कह रहे हो तुसी? आप दिल्ली वाले हो ना जी? दिल्ली वाले हो के नो पराठा? ये तो यो बात हो गई जी कि जाट हो के दूध ना पीवे। तो ना खा रही से तो ना खाए। अरे ऐसे कैसे, दिल्ली दिल वालों की। पराठे नहीं तो पिन्या ही सही। ये खा के देखो जी, मैं लिख के देती हूँ कि तुम्हारा भोटा ठीक हो जाएगा। खा के देखो जी। जी नहीं, थैंक यू थैंक यू। एक तो देखो, खा ले कुड़ी, देसी घी की खुशबू आ रही है, चंगी होगी। ये लो जी। वो नहीं खा रही तो ला हमें दे, हम खाते हैं। हाँ जी, ये लो जी, खाओ जी। अरे वाह, थैंक यू। आप भी खाओ जी। ओ, तोते उड़ा देंगे जी, हम तो पिन्नियों के ले आओ जी। आप भी लो जी, ये लो जी, तुसी भी खाओ, तुसी भी खाओ जी, ये लो जी, तुसी भी खाओ। मेरी हेल्प की थी जी। थैंक यू थैंक यू। जी जी जी, ये लो जी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन भूखे रहने से या शांत रहने से इनकी टेंशन तो नहीं खत्म होती ना जी। एक बार अच्छा की पिन्या खा के देखो, लिख के रहती हूँ कि जिंदगी भर ना याद रखोगी। खा के देखो जी। अरे परांठे थे क्या थे, ऐसा लग रहा है लस्सी में दारू मिला के बढ़ा दियो। मैं क्या जी, ट्रेन मुंबई पहुंच गई जी। कौन सा स्टेशन है भाई? ये हमारा सर क्यों घूम रहा? अरे वो छोले वाली लड़की कहाँ गई? कहाँ गई रे? हाय रब्बा, मुझे तो लग रहा है उसकी पिन्नी खाने से ये सब कुछ हुआ है। दीदी मेरा अपना सामान चेक कर। अपना सामान चेक करो सब लोग। देखो देखो कुछ सामान देखो भाई, कि सारा कि चौपट ना कर गई हो। सारा सामान तो यही है। सामान तो है, उस कुड़े को तो उठा कब से सोई हुई है। जा। हेलो ओ कुड़िए, उठ जा। मुझे लगे छोरी ने ज्यादा मिठाई खा ली लगे। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है। वो हला के देख इसको। सुन
उठ जा। जहर ने अंदर सब कुछ काट दिया, इसलिए ऐसा खून निकला है। मुझे लगता है जो मिठाई इस लड़की को खिलाई गई थी वो स्पेशल थी। ये लड़की दिल्ली से बैठी थी यहाँ पे? नहीं, वो बाद में आई थी और उसने हमारे साथ बैठ के पराठे भी खाए थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि उस लड़की ने उसे जबरदस्ती मिठाई खिला दी। सर, बेचारी बहुत शरीफ लड़की थी, किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी। पता नहीं वो लड़की उसे क्यों मारकर चली गई। उसने बैग ला के यहाँ पे रखा था और रखते उसका सारा सामान गिर गया था। सर, खसमन खानी कहेगी। अरे वो तो कह रही थी मैं दूसरे डिब्बे में बैठी थी, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के फिर हमारे डिब्बे में आ गई। यही करने आई थी शायद। कहाँ गिरा था उसका बैग? आइए सर, मैं दिखाती हूँ आपको। सर, ये यहाँ पे गिरा था उसका बैग। यहाँ पर? हाँ जी सर। नहीं सर, ये मेरा नहीं है, ये लगता है उसी लड़की का है। शक्ल से वो पढ़ी लिखी लग रही थी। तो हो सकता है दिल्ली में इन सब का ही काम करती हो। सर, जिस लड़की ने इन सबको मिठाई खिलाई कल रात 3 बजे रतलाम स्टेशन पे उतर गई, वहां के कैमरे में पकड़ी गई। ये है वो लड़की? हाँ सर, यही कुड़ी थी। दिल्ली से कॉल। हेलो, न्यूज चैनल से पता चला है इस मर्डर केस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? वही जो दिल्ली पंचनामा एक्सप्रेस में हुआ है। देखिए, वही दिखाया जा रहा है जो हुआ है। एक लड़की ने दूसरी लड़की को जहर देकर मारा है और बाकी लोगों को भी उसने जहर दिया था, लेकिन वो लोग बच गए। गलत है, सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है मैडम, ऐसा ही हुआ है। देखिए, उस लड़की ने बाकी के लोगों को कोई दवाई दी जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो गए, लेकिन उस लड़की को उसने जहर भरी मिठाई खिलाई। जहर भरी मिठाई? ट्रेन में नहीं, यहाँ दिल्ली में है वो लड़की। मरी नहीं है वो, जिंदा है। लड़की जिंदा है? मैडम, ये कैसे हो सकता है? हैं? वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? क्या कह रही हैं आप? सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है उसे अभी। देखिए मैडम, ये झूठ बोलना बंद कीजिए वरना फंस जाएगी बुरी तरह से, समझी? देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको फोन करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अजीब बात है, औरत कह रही है कि ये लड़की जिंदा है। तो फिर अगर वो लड़की जिंदा है तो फिर ये लाश किसकी है? अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है सर। लेकिन ये औरत सीना ठोक के कह रही है कि ये लड़की जिंदा है। ये जुड़वा बहने तो नहीं? सचिन, अगर जुड़वा का चक्कर होता ना तो पता थी ना। सर, अगर ऐसा है तो हमें दिल्ली जाकर देखना होगा कि वाकई कोई चमत्कार है या फिर कोई फ्रॉड। दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा दया, उस औरत की बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखना ही पड़ेगा। और फिर बाकी पैसेंजर्स ने वो लड़की जो है ना, झोले वाली लड़की रचना, उसके बारे में भी तो बताया। लगता है उसकी कड़ी भी वहीं दिल्ली में ही मिलेगी। आई है बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा, तुमने कहां से देखा? सर, उस दिन मैंने वहां से देखा।
दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। दरवाजा खोलिए। अब पता चलेगा किसको छुपा के रखा है इन लोगों ने। दरवाजा खोलिए। क्या चाहिए? आपसे बात करनी। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। कहा ना बात करनी है? प्लीज तंग मत कीजिए। देखिए, हम तंग वंग करने नहीं आए, आपसे कुछ पूछना है। जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पुलिस से ही है, CID। हम लोग मुंबई से आए हैं, वहाँ कुछ हो गया है। आइए। एक्चुअली मुंबई में हमें दिल्ली के एक ट्रेन में एक लड़की की लाश मिली। वो हमारी ही बेटी है। तुम भी आ जाओ। तुम लोग इधर ही रुको, मैं देख कर आती हूँ। किसी ने एक लड़की को आपके घर में घुसते हुए देखा है, बुर्का पहनकर, बिल्कुल आपके बेटी जैसी दिखती है वो। है अंदर? हाँ है। अब पता चलेगा इनको आटे दाल का भाव। सलोनी बाहर आओ। माय गॉड, एकदम वही। सर कोई भी नहीं बोल सकते कि ये दो अलग अलग लड़कियां। वो तो मर गई बेचारी। इसकी जुड़वा बहन थी मोनिका, हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके। हम तो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सब क्या हुआ, क्या है? सर, कुछ दिन पहले हम घर आ रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें गाड़ी ठीक करना भी सीख लेना चाहिए। अबे इसकी तो सुनाली, ये क्या कर रही है तू? इसको दो तीन बार मारो ना तो ये चल पड़ती है। अच्छा तू नहीं सुधरेगी ना, तेरी बहन हूँ ना, कैसे सुधर सकती हूँ? क्या हुआ, कैसे भागी लड़की? दादा तो देख के रहो, अब पकड़ो उसे। Guys, please, जल्दी चलो, please. अरे रुको, ये क्या हो रहा है? अरे चुप रहे, गार दूंगा यही दोनों को। अरे ये निकल गई वो, पकड़ो उसे। दोनों की शक्ल देख ली है, समझी? और गाड़ी का नंबर भी, गार्ड की यही रख दूंगा। गोली मार इसे। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, नहीं, हमने क्या किया? मोनिका, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज लेट अस गो। छोड़ दे इसे, बच गई तू, याद रख। चलो तू ठीक है? तू पहले पुलिस को फोन कर, पुलिस को फोन कर पहले। तू पता नहीं कौन थी वो लड़की और क्या था उसके पास, हमें आज तक पता नहीं चला। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग मेरे और मेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। बस बार बार यही कहते थे, जो उस लड़की ने दिया वापस दे दे, जो उस लड़की ने दिया वापस दे दे। साहब, पुलिस वालों को भी नहीं मिले वो लोग। कितने घर बदल चुके हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हम कहां पर हैं। उन लोगों ने मेरे दोस्त कुंदन को भी मार दिया। एक मिनट, वो क्या बोला था लड़के ने? वो लड़का कह रहा था कि पर्स में होगी और उस लड़की ने पर्स जमीन पे फेंक दिया था, शायद इसीलिए वो लड़की भी बच गई। पर्स में वो चीज नहीं मिली इसलिए शायद। कितनी देर थी वो लड़की कार में? कुछ ही सेकंड थी वो लड़की। कार में तुमने ध्यान से देखा था? नहीं सर। कार कहाँ है? पास में एक पार्किंग है, वहां पे एक कार। हाँ
पेन ड्राइव। सोनाली ने इसके बारे में कुछ बोला तो नहीं था? कहीं यही तो नहीं सारी मुसीबतों की जड़? लैपटॉप पे लगा के देखते। जरा ज़ूम कर। गन लेके खड़ा है घर में। मतलब इस घर में कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ हुआ है या फिर कुछ होने वाला है। लेकिन सर ऐसे तो बहुत सारे घर होंगे दिल्ली में। ढूंढना तो पड़ेगा। चेवंती, तुम इस घर के बारे में पता लगाओ, तब तक हम लोग दिल्ली हाट में उस हैंडीक्राफ्ट वाली लड़की को ढूंढते हैं। निखिल। हाँ सर। आज बात अच्छे से लिया है ना? क्यों सर, क्या हुआ सर? नहीं ऐसे ही। जब मेरे कपड़ों से बदबू आ रही हो? अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछा। आज अगर हम सबकी किस्मत मिलके चमकेगी ना, तभी वो लड़की मिलेगी हमें। सर ट्रेन के ब्रोशर में जो हैंडीक्राफ्ट का सामान छपा था वो तो हम साथ में लाए हैं। हाँ इसीलिए तो किस्मत चाहिए ना, सिर्फ ये सामान लेके हम लोग दिल्ली आ गए हैं लड़की ढूंढने। और अगर आज तुमने ठीक से स्नान किया है तो ही उस लड़की का अता पता मिलेगा हमें। सर अगर ऐसा है तो मैं रोज 3 बार घिस घिस के नहाऊंगा। रोज क्या सर, मैं अभी से 3 बार नहाऊंगा घिस के। तो स्टॉल्स को ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे इस तरह के हैंडीक्राफ्ट बेचे जाते हैं। ये लो, एक यहीं पर है। बढ़िया है भाई। क्या चाहिए साहब? अरे जरा देखने तो दो भाई, इतना अच्छा अच्छा आइटम आपने रखा हुआ है। ये देखा है ना, सुपर। ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं साहब, ये मेरे पास नहीं मिले। अच्छा एक बात बताओ, हमारे अलावा इसके बारे में किसी और ने भी पूछा था क्या? आप लोग हैं कौन? किसी और ने पूछा था? हाँ साहब। कौन, लड़की थी? हाँ साहब लड़की। ये थी वो लड़की? जी यही लड़की है। ये लड़की यहाँ पे अक्सर आती है? हाँ कभी कभी दिखती है। आप उनसे पूछो, 24 नंबर वाले से, वो बताएगा आपको। अरे सुनो जरा इधर आओ। देखो हमें ये पता चला है कि ये लड़की यहाँ पे आती है तुम्हारे पास। जी आती तो है जी। किस लिए? जी ये कुछ वो ढूंढने आती है वो। ये? हाँ जी जी, मुझसे कुछ 30-40 लिए हैं जी, और भी मंगाए हैं जी। कब कब आने वाली है जी? आने का क्या है जी, कभी भी आ जाती है जी, आज भी आ सकती है जी, कल भी आ सकती है। अच्छा ये अकेली आती है, साथ में कोई और भी होता है? जी आती तो अकेली है, पर औरों से बात भी करती है वो सामने पार्क में। अच्छा कौन है, कोई यहाँ का है? जी अब इतना तो याद ना जी मुझे। याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? जी बताने का क्या है जी, वो कभी ध्यान से नहीं देखा वरना बता देता मैं। ठीक है सर, ये तो वही जगह है जिसकी फोटो हमें उस पेन ड्राइव में मिली थी। जलाया गया, किसी के हाथ न लगे इसलिए जला दिया गया है। कोई बात नहीं, इसे उठा लो, डॉक्टर सालू के पढ़ के बता देंगे कि इस पे क्या लिखा है। इस बोतल को सील कर दो,
और जल्द से जल्द इसे मुंबई भेज दो फॉरेंसिक लैब में। वो लड़की चलती ट्रेन में सोनाली की बहन को जहर देकर उसका खून करती है और फिर वही लड़की यहाँ दिल्ली हाट में ब्रास के छोटे छोटे डब्बे खरीदती है। ये चक्कर है क्या? ये चक्कर तो बहुत गहरा से। पहले इस लड़की ने सोनाली की बहन को मारा, उसके बाद सोनाली के बॉयफ्रेंड को इन तीन गुंडों ने मार डाला। और जो कुछ भी हो रहा है ये इस सोनाली के आसपास ही हो रहा है। जब से वो लड़की उन गुंडों के हाथ से बच के सोनाली की गाड़ी में के छुप गई और भागते भागते उसने वो पेन ड्राइव उसके कार में रखा, तब से ये खूनी हमले शुरू हुए। अब तो सारों के साहब का ही सहारा है। ये तुम कह रहे हो? हाँ यार, मेरी उनसे बनती नहीं है, लेकिन अब ये जले हुए पेपर में से वो निकालना वो सब उन्हीं के बस का है यार। वो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर सानू के साथ। हेलो एवरीवन, मैं आपको बता दूं कि उस बोतल में जॉन जॉन नाम की ड्रग थी। खतरनाक ड्रग है, एक बार मैं पहले भी बेहोश हो चुका हूँ। इतनी खतरनाक आदमी तुरंत चित हो जाता है। बहुत सस्ती सी ड्रग है लेकिन करोड़ों में बिकती है, और बाहर से नहीं आती, यहीं पर बनती है, यहीं पर। आजकल बहुत सारे जवान बच्चे इस ड्रग में फंसे हुए, अपने माँ बाप का पैसा लुटा रहे हैं इस ड्रग में। तारिका? देख लो इस कागज पे क्या है। ये तो दिल्ली शहर का मैप है। एरिया मार किए गए, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, शायद वहीं से ड्रग्स पास होती होगी। ड्रग कहीं आसपास ही बनती होगी, और फिर उस हैंडीक्राफ्ट वाली बॉटल में सप्लाई करते होंगे। लाजपत नगर पर निशान बना हुआ दिल्ली का मैप लेके घूम क्यों रहा था? और फिर वो मैप जला भी दिया। जला दिया मतलब घोटाला है? एकदम गड़बड़ घोटाला यार। जगह वही है ना? एकदम वही है दया। दया तुम निकलो, मैं देखता हूँ इसको। क्या भाई? साहब आपके काम की चीज नहीं है ये। अबे अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, अपनी वो तू कितने की है बता। अरे साहब बहुत महंगा है ये, 1500 का है ये। 1500? अबे कांच की चूड़ी बेच रहा है कि सोने की है ये? अरे साहब बोला ना आपके काम की चीज नहीं है, क्यों टाइम खोटी करता है मेरा? कमाल है, लूट रहा है पब्लिक को। ये क्या? अरे साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अबे है क्या ये? अरे साहब बिक चुका है ये सब, कुछ नहीं है। अबे दिखा तो सही, खरीद रहा हूँ, कस्टमर हूँ मैं। साहब ये सब बिक चुका है, पहले ही बिक चुका है। क्यों है क्या? साहब हाथ मत लगाओ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना बिक चुका है, क्यों हाथ लगा रहे हैं आप? साहब जब कोई चीज बिक चुका है तो फिर से क्यों बेच रहे हो? रखा है तो बेचने के लिए रखा है ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? कोई शरीफ आदमी कोई सवाल पूछे ना तो बता देना चाहिए, समझे? शराफत से बता देना चाहिए। ड्रग्स है डब्बे में, ड्रग्स का चक्कर है। तुम भी डच लेते? मरना है क्या? हम तो सिर्फ बांटते हैं, लोग आते हैं डब्बा लेके चले जाते हैं। लोग बांट जाए तो चलेगा, उसकी फिक्र नहीं। तो मरे साहब,
हम थोड़ी ना जाते उनके घर बुलाने के लिए। तुम घर में नहीं जा रहे बुलाने के लिए, लेकिन खून तो कर रहे हो ना? साहब हमने खून वून कुछ नहीं किया है साहब। नहीं साहब, हमारा काम तो बस डब्बे बेचना है साहब। कहाँ से आती है इसमें ट्रक, कौन देता है? सब सब रंगा और बलबीर। रंगा और बलबीर कहाँ मिलेंगे ये लोग? जगह कुछ अजीब लगती है, यहाँ से उन लोगों को ले जाने के लिए देंगे नहीं इतनी आसानी से। लग तो ऐसा ही रहा है, एक से एक टेढ़े लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये देखो 36। ओए क्या देख रहा है? औरत देखी ना क्या पहले कभी? सुन लिया। अरे वो बलबीर है क्या यहाँ पे? कौन बलबीर? वही बलबीर। अरे मैं पूछूं कौन बलबीर? कोई नाम भी है क्या आगे पीछे बलबीर का? 50 बलबीर हैं इस कॉलोनी में, आपको कौन से चाहिए? वो बलबीर जो ड्रग्स बेचता है, कुछ याद है? आया याद आया। ओए, चलना ऊपर, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ए, कहाँ है बलबीर? कोई बलबीर नहीं है यहाँ पे, जाओ आप। रका का नाम सुना है? सर फोड़ दूंगी आपका। जो अंदर आए ना तो सर फोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से। ए! कह रही हूँ, चलो निकल जाओ यहाँ से। एक हाथ पड़ेगा सीआईडी का ना, डंडा वंडा बोल जाएगा। चल इधर, चल चल बार। अरे आओ जी आओ, देखो घर में घुस के इज्जत लूट रहे हैं, छपा जाओ। अरे मेरे बलबीर को ले जा रहे, इधर जा रहे। अरे आओ, सीआईडी वाले आए हैं, सीआईडी वाले। अरे इनको निकालो, मेरे बलबीर को ले जा रहे हैं सारे के सारे। आओ सब। रंगा बलबीर का सब मैंने जानता जी, किसी बलबीर जी को सब। बलबीर कहाँ है? बलबीर कहाँ है? कौन भाग रहा? अगर तुम हमें लेकर गए ना तो तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। ए चुप, अगर हमें कुछ हो गया ना तो उससे पहले हम तुम दोनों की लाश बिछा के जाएंगे हम। चलो हटो, पीछे हटो, चलो। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोग को। Oh!
मार दूंगा। चल मिशन, चल मिशन, कोई आगे नहीं आएगा। अभिजीत, तुम ठीक हो? चलो चलो पीछे, कोई हाथ उठाएगा। चलो निकाला तुम लोगों ने, अब देख कैसे निकलता खून। साहब बच के आ गए तो यही बहुत बड़ी बात है। अरे सीआईडी साहब, किस्मत चमक रही है तारी। अपनी किस्मत की फिक्र कर, तू अब समझा? सोनाली के बॉयफ्रेंड को मारा। अचानक हंस क्यों रहा है तू? रख ले रखी है क्या? सोनाली के बॉयफ्रेंड का खून हो गया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देती वो सब कुछ? क्या नहीं बता देती? यही कि वो खुद भी मिली हुई है और ड्रग्स बांट रही है। ड्रग्स बांट रही है सोनाली? अरे साहब, ड्रग्स बांट भी ना रही है, बेच भी रही है। उसी ने मरवाया अपने बॉयफ्रेंड को। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जी बकवास कर रहे हैं तो खुद जाके देख लो, जमुना विहार मेट्रो स्टेशन पर बैग भर भर के ड्रग्स बांट रही है वो। लड़की के पास में जाके खड़े हो जाओ। कमाल हो गया यार तेरा। इस लड़की की बहन की मौत हो गई है और ये ड्रग्स बेचने में लगी है। कोई भी एक बार इस चक्कर में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने इसकी बहन को मारा है उनके साथ लगी हुई है। वो आ रही है। सफेद मुर्गी। सफेद मुर्गी? हाय। मुर्गी ने कुछ चूचू किए सर। ये दूसरे मुर्गे ने भी कुछ बोला क्या? पैसे लाई हो? हाँ सारा। ये कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर वो लड़की आ गई है जिसने खून किया था। काफी दिनों से ढूंढ रहे थे इसको। अच्छा हुआ ये भी आ गई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा तुम बिना बताए ऐसे ही भाग जाओगे? याद रखना
पैसों के लिए मैंने बहुत लोगों का खून किया है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो वो देंगे तुम्हारे पैसे। दाढ़ी वाला मुर्गा भी आया जाए। जाने मत देना, जाने मत देना, हम लोग आ रहे हैं। Okay. विग लगा के कहाँ घूम रहे हो? अरे तो क्या हो गया इसमें? फैशन है तो फैशन। ये कौन है? ये दिखते नहीं क्या? अंग्रेज है। ये फॉरेनर को हाथ लगाए ना तो सीधे सीधे जेल जाओगे तुम लोग, देख लेना। हाँ अच्छा। हाँ जेल भिजवाने से पहले हमें पता तो चले इस दाढ़ी मूछ के पीछे असलियत भी है कौन। सोनाली का डैडी तू कर रहा है ये सब है? और दूसरी बेटी को धंधे पे लगा दिया, ड्रग्स बिकवा रहा है उससे, हैं? सर, बहन के मरने का भी अफसोस नहीं था। सर, मेरी जैसी बदनसीब कोई नहीं होगी। पाप है जिसने अपनी बेटी का ही खून करवा दिया। और माँ, वो रो रो के पागल हो गई है। ये सब बस उन्हीं के लिए करना पड़ रहा है मुझे। साहब, साहब ये मेरी सौतेली बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां नहीं है। साहब कैसा जल्लाद आदमी है, इंसानियत है कि नहीं? बेटी बेटी होती है। मुझे लगता है इसने खून करवाया अपनी बेटी का। तूने मरवाया? साहब बोल। साहब मेरी बेटियों को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स के धंधे में हूँ। और साहब वो पुलिस में जाना चाहती थी, बस अब मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। एक बेटी को मरवा दिया, दूसरी बेचारी डर गई। बस अब और नहीं करना पड़ेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अपने आंसू पोंछो और एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़की के अंदर की ताकत को पहचानो। आज के बाद कभी किसी का जुल्म मत सहना, कभी नहीं, समझ गई? और तू खून किए है ना, तूने खून किए है ना, अब देख तू। मुझे छोड़ दो प्लीज। आई हैव इंफॉर्मेशन, आई विल टेल यू। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? अगर मैं एक मर्डर होने वाला है। मर्डर? किसका? एक बड़े आर्मी का। तुम्हें कैसे मालूम है? मेरा फ्रेंड है, उसने बताया। कौन फ्रेंड? वो भी मेरे जैसे बाहर से आई है और ड्रग्स में फंसी है। वो अभी भी वहीं पर है? उसने एक रिक्शा वाला से शादी किया। रिक्शा वाले से शादी? प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज। आगरा जाना पड़ेगा, किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.